वेलकम स्टूडेंट्स इन दीक्षांत एजुटेक। स्वागत है छात्रों दीक्षांत एजुटेक में। आज क्लास 8 पाठ अकबरी लोटा का तीसरा भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। यह इसके पहले दो पार्ट ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। बड़ा ही रोचक और मनोरंजक पाठ रहा है ये। यह अंतिम पार्ट है, अंतिम हिस्सा है। एक बड़ा कहानी बड़े पार्ट में ही होती है। अतः इसके पहले मैं दोनों ही पार्ट के सारांश को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। लाला झाऊलाल काशी के ठठेरी बाजार में उनका दुकान है, मकान है। मकान के नीचे उनके कुछ दुकान है जिससे उन्हें 100 रुपये प्रति माह लगभग किराया आ जाता है। उनके पास खाने पीने की और पहनने की कमी नहीं है, परंतु 250 रुपये आज तक उन्होंने कभी एक साथ नहीं देखे। यह उस समय की, उस जमाने की घटना है, कहानी है। यह कहानी बिल्कुल काल्पनिक है। ऐसी घटना कभी हुई हो अन्नपूर्णानंद वर्मा जी के सामने तो अलग बात, परंतु यहाँ पर यह कहानी हास्य कहानी के रूप में काल्पनिक रूप दर्शित होती है। और इस कहानी में लाला झाऊलाल पुराने विचारधारा के आदमी हैं। उनकी शादी तो हुई है लेकिन अभी बाल बच्चे नहीं हैं। इसमें हठात एक दिन उनकी पत्नी 250 रुपये की मांग करती है और कहानी शुरू हो जाती है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी की। वहाँ से 250 रुपये चूंकि एक साथ आँख सेकने को भी उन्हें नहीं मिलते, अर्थात एक साथ उन्होंने अभी तक 250 रुपये देखे नहीं है, और वैसी स्थिति में उनकी पत्नी उनसे 250 रुपये की मांग करती हैं और साथ में कहती हैं कि अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। इस बात पर उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया अपनी पत्नी से कि मैं एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर 250 रुपये आपको देता हूँ। देखते देखते 4 दिन बीत गए हैं। 4 दिन बीतने के बाद 5वें दिन यह संज्ञान लेते हैं इस बात का कि अरे भाई अब हमारे पास तो है नहीं 250 रुपये, और पत्नी को एक सप्ताह का हमने कह दिया है, वादा किया है, अब कहाँ से होगा। तो वो अपनी व्यथा अपने मित्र बिलवासी मिश्र को सुनाते हैं। बिलवासी मिश्र के पास भी नहीं होता पैसा और वो इनको दिलासा देते हैं कि ठीक है उनके पास तो नहीं है, लेकिन कहीं से जुगाड़ करके, कहीं किसी और से मांग करके उनका यह सहयोग करेंगे, और यदि हो गया इनके पास तो कल शाम यानी कि वादा के 6ठे दिन शाम के समय का उन्होंने वादा किया कि मैं लाके आपको दे दूंगा। 6ठा दिन आया, 6ठा दिन बीत गया, 6ठा दिन भी बीत गया, लेकिन बिलवासी मिश्र जी नहीं आए। नहीं आने पर वाजिब है कि इनकी चिंता बढ़ गई। अब इनकी चिंता इतनी बढ़ गई कि बेचारे चिंता में रात भर सोए नहीं। अगले दिन सुबह सूर्योदय की प्रथम बेला में यह अपने छत पर टहल रहे थे, और टहलने के बाद से इन्हें चिंता से प्यास लगी। प्यास जब लगी तो ये अपने नौकर को बुलाए, कौन झाऊलाल, मगर नौकर इनके नहीं आया क्योंकि नौकर छुट्टी पर था। पत्नी आई, वो भी लोटे में पानी लेकर, लोटा में पानी उस लोटे में लाई जिस लोटे को ये सदैव से ही ना पसंद करते थे, उसको देखना तक उचित नहीं समझते थे। वह लोटा टेढ़ा था, पचका हुआ था, और उसमें पानी लाई, और संजोग देखिए कि वो पानी लाई है लेकिन ग्लास लाना भूल गई है। ग्लास भी नहीं लाई है, पानी दी है। पानी झाऊलाल जब पानी को अटारी के पास 3 मंजिले मकान के ऊपर छत पर खड़े होकर पी रहे होते हैं तो उनके हाथ से छूट जाता है, और लुढ़कते हुए लोटा दुकान के साहिबान से होते हुए सामने खड़े एक खरीदार अंग्रेज बाबू के शरीर पर सांगोपांग स्नान कराता है, पूर्ण रूपेण सर से पांव तक नहला देता है।
उसके बाद उनके बूट पर गिरकर उनके पैरों को चोटिल कर देता है, जिससे अंग्रेज गुस्सा जाते हैं और अंग्रेज साहब कई लोगों के साथ झाऊलाल के आंगन में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ का स्थिति अजीब तरह का हो जाता है। घर में आंगन में उस आसपास के लोगों से वो आंगन भर जाता है और झाऊलाल भी तीन मंजिले से नीचे उतरते उतरते जब उन्होंने शोर सुना तो उतरते उतरते आ करके देखे कि अंग्रेज अपने एक पांव को अपने हाथों से सहलाते हुए घूम रहे हैं एक ही पांव पर और कई लोग जुटे हुए हैं। अंग्रेज गुस्साया हुआ है, वो समझ गए, लोटा उस अंग्रेज के ही हाथ में था, वो समझ गए कि मेरे लोटे ने तो कमाल कर ही दिया है, पहले तो नहलाए है अंग्रेज महोदय को और उसके बाद इन्हें चोट पहुंचाई है। इसी पर अंग्रेज बिलबिलाए हुए हैं और आंगन में आए हुए हैं। तत्क्षण उसी समय दूसरे पाठ में हम लोगों को पढ़ने को मिला कि उसी समय बिलवासी मिश्र का आगमन होता है उनके आंगन में। वीर को चीरते हुए बिलवासी मिश्र आंगन में प्रवेश करते हैं और आते के संग उन्होंने दो काम किया। पहला काम, एक कुर्सी मंगवाई उन्होंने और कुर्सी दे करके अंग्रेज महोदय से रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि आपको लगता है बुरी तरह से चोट आई है और उस समय से आप खड़े हैं, कृपया बैठ जाइए। इस बात पर अंग्रेज जो साहब थे उनको बहुत ही अच्छा लगा कि चलो भाई कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा है जो हमारी बातों को समझ रहा है और कम से कम इतना तो सम्मान दिया कि हमको एक कुर्सी दिया बैठने को। इससे उनका विश्वास बिलवासी मिश्र के प्रति प्रगाढ़ होता है। और दूसरा काम बिलवासी मिश्र ने किया कि आंगन में आए लोगों को जो बिना मतलब के वहाँ पर थे खड़े तमाशा देखने के लिए, उन्हें उन्होंने रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि आप लोग चले जाए। आंगन अब साफ हो गया था, खाली हो गया था। उसके बाद बिलवासी मिश्र ने अपने विश्वास में लेते हुए अंग्रेज को कहा कि ये आदमी ल्यूनाटिक है, डेंजरस ल्यूनाटिक है, ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक। अंग्रेज को यह बात भली नहीं लगी, थोड़ी भली लगी, लेकिन इसमें जो भली नहीं लगी उसने पूरा किया। उन्होंने कहा कि नहीं, यह खतरनाक पागल नहीं है। डेंजरस ल्यूनाटिक का अर्थ होता है खतरनाक पागल, पागल नहीं है, यह तो डेंजरस मुजरिम है, यह क्रिमिनल है। ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, यह खतरनाक अपराधी है, इसने लोटा चला के मारा है। क्या आप इस शख्स को जानते हैं? बिलवासी जी ने कहा सिरे से खारिज करते हुए इस बात को कि ना, मैं जानता तो नहीं और जानना भी नहीं चाहता ऐसे लोगों को जो राह चलते लोगों पर लोटा चला के मारता हो, ना नहीं जानेंगे इसको। लेकिन अब जब अंग्रेज पूछते हैं कि आखिर इनका क्या किया जाए, तो वो कहते हैं कि इनको जेल में भिजवा दिया जाए, चलिए पुलिस थाना कंप्लेन कर दीजिए। जब अंग्रेज पूछते हैं कि पुलिस थाना कहाँ है, तो वो उनको बोलते हैं कि चलिए हम दिखाते हैं आपको, हम तो यहीं के बासिंदे हैं, चलिए दिखा देते हैं। अब अंग्रेज कहते हैं कि तो चलिए अब ये भी काम कर ही दें। लेकिन बिलवासी मिश्र कहते हैं उनसे कि जनाब, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस लोटे को खरीद लूँ, इससे मैं 50 रुपये इसका दे सकता हूँ। और उन्होंने झाऊलाल से पूछा कि क्यों जी, बेचोगे? 50 रुपये ले लो लोटे के। तब अंग्रेज का दिमाग ठनका, वह पूछा कि बिलवासी मिश्र जी, आप इस बेढंगे लोटे का क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा, एक मनगढ़ंत कहानी उन्होंने रची और अंग्रेज को सुनाया। वास्तव में उनकी मंशा यह थी कि अंग्रेज को अपने विश्वास जाल में फांस करके उन्हें ठग लिया जाए, ताकि एक तीर से दो शिकार हो, एक तो झाऊलाल की असुविधा 250 रुपये की दूर हो और दूसरे वो जो 250 रुपये अपने पास लाए थे किसी अन्य स्थितियों से, किसी अन्य प्रकार से वो उनका बच जाए। और इस लोटे से, जो लोटा झाऊलाल को सदैव से ही नापसंद था, इससे
जाऊलाल को छुटकारा मिल जाए। अतः उन्होंने कहा कि यह अकबरी लोटा है और एक मनगढ़ंत कहानी उनसे कही कि हुमायूं जो अकबर के पिता थे वह एक युद्ध के अंतर्गत युद्ध के बाद हार करके वह युद्ध से हार करके वह जब जा रहे थे रेगिस्तान में तो उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी थी, जिस समय इसी लोटे से एक ब्राह्मण ने उन्हें पानी पिलाया था। बाद में जब अकबर दिल्ली के शासक बने, राजा बने, दिलीश्वर बने, तब उन्होंने उस ब्राह्मण की खोज करवाई और उस ब्राह्मण से उस लोटा के बदले में 10 सोने के लोटे दे करके उनसे ले लिया। अब लोटा ले लेने के बाद यह लोटा शाही खजाने में थी। 1857 तक यह शाही परिवार में ही था लोटा, परंतु 1857 के बाद यह लोटा पता नहीं कहाँ चला गया। आज इस लोटे को दुनिया की सारी म्यूजियम खोज रही है, ढूंढ रही है। अजायब जो भी म्यूजियम्स हैं उसमें सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम, इंडिया का सबसे बड़ा जो म्यूजियम है वह कलकत्ता में स्थापित है, इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कलकत्ते के म्यूजियम में इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का मॉडल बनाकर रखा हुआ है और ये लोटा गायब है। पता नहीं इस आदमी के पास ये लोटा कैसे आ गया। इस बात पर अंग्रेज महोदय अपनी ललचाई आंखें उस लोटे पर गड़ा देते हैं और उस लोटा को पाने की इच्छा में किसी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। और इसी समय का इंतजार होता है बिलवासी मिश्र को। बिलवासी मिश्र अब समझ चुके हैं, बिलवासी मिश्र अब समझ चुके हैं कि अंग्रेज उनके विश्वास जाल में आ चुके हैं। अब उन्होंने कहा कि नहीं, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। तब बिलवासी मिश्र को उन्होंने कहा कि ये लोटा मुझे नहलाया, मेरे पांव को कुचला, मेरे पांव का भुट्टा बनाया, अधिकार बनता है, मेरा हक है इस लोटे पर, मैं ही ये लोटा लूंगा। तब बिलवासी जी ने कहा कि ऐसे वैसे बात नहीं बनने वाली, आपका हक है तो मेरा क्या है, मेरा भी हक है, मैं ही इस लोटे के बारे में जानता था, आपको तो मैंने बताया, तो अब इस तरह से बात नहीं होगी, इस लोटे की बोली लगेगी, कीमत लगेगी, मैं इसके 50 रुपये देने को तैयार हूँ। अंग्रेज ने कहा मैं 100 देता हूँ। फिर बिलवासी जी ने 150 कहा, फिर अंग्रेज ने उनसे 200 कहा, फिर 250 कहते हुए तैस में जाऊलाल के सामने बिलवासी मिश्र ने अपना 250 रुपया फेंक दिया। अब अंग्रेज को भी तैस आ गई और अंग्रेज साहब ने कहा यह 50-100 की बात नहीं, सीधे 500 मैं दूंगा इस लोटे का, लेकिन लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। इस बात पर बिलवासी जी अफसोस जताते हुए अपने पैसों को उठा लेते हैं क्योंकि 250 से अधिक उनके पास नहीं है, और मन सुखा करके, मन धीमा करके वह अंग्रेज महोदय को कहते हैं कि अब ये लोटा आपका हुआ, लेकिन आप अब बताइए कि इस लोटा को क्यों खरीदना चाहते थे। अंग्रेज के भी जीवन में एक ऐसी ही दुविधा है। उनके एक पड़ोसी हैं मेजर डगलस, जिनके तुलना में वह लोटा खरीदना चाहते थे और उन्होंने लोटा खरीद लिया। लोटा लेकर अंग्रेज वहाँ से रुखसत हुए। अब न केस, न थाना, न पुलिस, न जाऊलाल बुरे आदमी हैं, पैसे देकर वो चले गए। आगे की कहानी, जैसे ही उन्होंने सुना कि यह लोटा उनका हो गया, कौन, अंग्रेज साहब, यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची फिर गई। कूची मतलब झाड़ू होता है, यानी कि प्रसन्नता की झाड़ू फिर गई, यानी खुश हो गए, मुस्कुराने लगे, उनका टेंशन दूर हो गया, चोट खत्म हो गया। उसने झटपट लोटा उठा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे।
मेजर डगलस। कौन है मेजर डगलस? यह बात पिलवासी जी ने पूछ ही डाला कि मेजर डगलस कौन है। उन्होंने बताते हुए कहा कि मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीजों का संग्रह करने में मेरी उनकी होर लगी रहती है, यानी कंपटीशन रहता है कि कौन कितना पुराने चीजों को संग्रहित करता है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर ले गए थे। जहांगीरी अंडा, ये जहांगीरी अंडा क्या है? अब बिलवासी जी पूछते हैं कि जहांगीरी अंडा? उन्होंने कहा जी हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि वे ही ऐसी चीजें ले जा सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? ये कौन सा अंडा है भाई? कबूतर के अंडे, चिड़िया के अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडे, सब तो सुना है हमने, लेकिन जहांगीरी अंडे? जहांगीर तो एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो उनके अंडे कैसे? आप जानते होंगे, अब उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया विश्लेषित रूप से कि आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूर जहां और जहांगीर के बीच प्रेम संबंध को स्थापित कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूर जहां ने उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ा दिया और उड़ा के बताया कि ऐसे उड़ाए थे। एक बार ऐसा हुआ कि जहांगीर का कबूतर था, कबूतर पालने के शौकीन थे जहांगीर महोदय, और जहांगीर के एक कबूतर को नूर जहां ने उड़ा दिया। जब जहांगीर उनसे पूछे कि नूर जहां आपने हमारे कबूतर को कैसे उड़ा दिया, उनके पूछने का मतलब दूसरा था, लेकिन नूर जहां भोली थी। अपने भोलेपन को दर्शाते हुए उन्होंने दूसरे कबूतर को भी उड़ा के और बताया कि मैंने ऐसे ही उड़ा दिया। इस भोलेपन पर जहांगीर फिदा हो गए नूरजहां के ऊपर और यह प्रेम प्रसंग उनका चला। धीरे धीरे प्रेम परवान चढ़ते गया और उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया। उसी क्षण से नूरजहां के हवाले कर दिया अपने आप को, अपने आप को उसी क्षण से नूरजहां के हवाले कर दिया, अर्थात प्रेम को उन्होंने, अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए नूरजहां को स्वयं को समर्पित कर दिया कि लो अब ये जो ये थे जहांगीर, ये जहांगीर महोदय अपने आप को नूरजहां को समर्पित कर दिए। उसी क्षण से उन्होंने समर्पित कर दिया। अब कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। कबूतर ने चूंकि कबूतरों के वजह से ही नूरजहां जहांगीर को प्राप्त हुई थी, जहांगीर नूरजहां को बेहद चाहते थे, अतः वह कबूतर को भूल नहीं पाए और एहसान मान लिया उस कबूतर का। उन्होंने उसके एक अंडे को उसने बड़े जतन से रख छोड़ा और उन कबूतरों के जिनको उड़ाई थी वो उनके अंडे थे, उसमें से एक अंडा जहांगीर अपने पास धरोहर के रूप में, उन कबूतरों के धरोहर के रूप में रख लिया। एक बिल्लोर की हाड़ी में, बिल्लोर की हाड़ी मतलब मिट्टी की बनी हुई ऐसी हाड़ी जिसे छान पर हम लोग छांक जैसा टांग करके रखते हैं घर के छत से, वैसी हाड़ी में उन्होंने उस अंडे को सुरक्षित रख दिया। हाड़ी उनके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सोच सकते हैं आप लोग, अंग्रेज कितने महान होते हैं, इसीलिए हम भारतीय उनसे इतने परेशान होते हैं। वह जब भी भारत आते हैं तो भारतीयों की बल्ले बल्ले हो जाती है। कुछ ऐसे ही चतुर विज्ञानी, विशेष ज्ञानी लोग, जैसे हमारे अभी बिलवासी मिश्र जी ने अपना प्रदर्शन किया अपने ज्ञान का, इसी तरह से किसी अन्य ने भी मेजर डगलस को भी प्रदान किया था। पिछले वर्ष, गत वर्ष आए थे मेजर डगलस भारत में और उन्होंने जहांगीरी अंडा मोल ले गया था और बार बार वो अपने
पड़ोसी को दिखाते थे कि ये देखो मेरे पास जहांगीर का अंडा है, जहांगीरी अंडा, उस जमाने का अंडा, भला ये संभव तो नहीं लगता। परंतु उन्हें क्या बताया जाए, जो ऐतिहासिक चीजों के दीवाने होते हैं वो तो हर बात को सही मानते हैं। उसी को मेजर डगलस ने पर साल दिल्ली में एक सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। 300 रुपये में उन्होंने जहांगीरी अंडा खरीदा था। अब तो यह एक पुस्त पुराना लोटा 500 रुपये में खरीद कर ले जाएंगे। अब जहांगीर ई अंडा का जो डिंग हाँकते थे मेजर डगलस, इनके सामने उनकी डिंग नहीं चलेगी। यह दिखा देंगे तुरंत कि देख लो तुम्हारे पास तो जहांगीरी अंडा है, उनके पिताजी का हमने लोटा रखा है। देखिए आगे, हाँ पर अब वे मेरे सामने हाँक नहीं सकते, मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुस्त पुराना है। लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी के एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहे थे। देखिए कितने अलंकृत शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने। एक एक दाढ़ी के एक एक बाल लहरा रहे थे, मतलब खुशी प्रसन्नता झलक रही थी। क्यों ना झलके, पैसे मिल गए थे, वादे पूरे हो रहे थे। उनकी पत्नी के सामने उन्हीं की साख जो दाव पर लगी थी वो दाव खत्म होने वाली थी, और अपनी पत्नी के सामने वह फिर तनकर खड़े होने लायक हो गए थे। तथा और ये हुआ कि उस बेढंगे लोटे से उनका पीछा छूटा। अब उन्होंने बिलवासी मिश्र से पूछा, बिलवासी जी आप मेरे लिए 250 रुपये लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं, तो कहाँ से लेके आए थे? तब बिलवासी जी ने कहा, इस भेद को मेरे सिवा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ पर अब वे मेरे सामने हाँक नहीं सकते, मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से एक पुस्त पुराना है। लाला झाऊलाल को 500 रुपये मिले और उन्होंने बिलवासी मिश्र जी से पूछा कि क्या यह पैसा तो आपके पास था नहीं, तो आपके पास ये पैसे आए कहाँ से? उन्होंने कहा, बिलवासी मिश्र जी ने, ये बात मेरे अलावा मेरे ईश्वर जानते हैं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। अब बिलवासी मिश्र जाने को तैयार होते हैं तो झाऊलाल पूछते हैं उनसे कि पर आप चले कहाँ, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। कितने घंटे तक? 2 घंटे तक। क्यों भाई 2 घंटे क्या करेंगे? बिलवासी मिश्र जी ने आश्चर्य में पूछा, 2 घंटे तक? उन्होंने कहा, हाँ और क्या, 1 घंटा तो आपकी पीठ ठोककर शाबाशी देने में लगेगा, फिर गले लगकर धन्यवाद देने में 1 घंटा और लगेगा। यानी शाबाशी देने में 1 घंटा क्यों? यह जानने की उत्सुक थे झाऊलाल कि आखिर इतनी बड़ी ड्रामा इन्होंने रचा, लोटे से भी छुटकारा दिला दिया, 500 रुपये भी दिला दिया, मुझे तो 250 की ही आवश्यकता थी, बिलवासी जी 250 रुपये लाए, उनके पास था नहीं तो लाए कहाँ से? इन तमाम बातों को जानने के लिए ही उन्होंने 2 घंटा रुकने की बात कही। परंतु बिलवासी मिश्र रुकना नहीं चाहे क्योंकि उन्हें कुछ और विशेष काम याद आ रहा था। अच्छा पहले आप अपने 500 रुपये गिन कर सहेज लीजिए, बिलवासी जी ने कहा। रुपये अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद और सम्मोहक कार्य है, अगर अपना रुपया होता है तो उसको सहेज सहेज के रखना सुखद लगता है, अच्छा लगता है, सुख देने लायक लगता है, और सम्मोहक माने सम्मोहन क्षमता उसमें लगती है, देखते ही रहने का मन करता है कि मनुष्य उस समय सहज ही
क्या हो जाता है, तन्मयता प्राप्त कर लेता है। तन्मयता, मनुष्य सहज ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसे अन्य किसी चिंता की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई चिंता नहीं होती जब वह अपने पैसे को सहेजता है। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। अब उस दिन बिलवासी जी चले गए अपने घर अपने काम को करते हुए, और यहाँ झाऊलाल भी अपनी पत्नी को 250 रुपये देकर संतुष्ट किए। जो आँख सेकने तक को, जो देखने तक को उन्हें 250 रुपये नहीं मिलते थे, आज उसके दो गुने उनके हाथ में थे, और उस लोटे के बदले जो लोटा उन्हें कभी पसंद नहीं आया, एक बेडंगा लोटा चला गया, और उस लोटे के कोई 50 भी न देता जिसके 500 उन्हें मिल चुके थे। इस बात की खुशियों से तो उनके दिल में कई तरह के क्या कहें डंके बज रहे थे, खुश थे वो, और उनकी मायूसी का राज खत्म हो चुका था। वह जिन बातों से 6 दिन से परेशान थे वह काम आज उनका पूर्णतः शुभ तरीके से गुजरा बीता, और वो उसके नायक बने बिलवासी मिश्र जी। बिलवासी मिश्र जी को वह कोटि कोटि धन्यवाद देते थे। अब बिलवासी मिश्र के घर रात में उन्हें नींद नहीं आ रही थी। यह बात, यह लाइन हमें यह बताएगा कि बिलवासी मिश्र के पास 250 रुपये नहीं थे तो आए कहाँ से। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे बहुत धीरे से उठे। रात में नींद नहीं आ रही थी, क्यों भाई, उन्हें तो अच्छा काम किया था लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही थी। और 1 बजे रात को वह अपने चारपाई से धीरे से उठते हैं। क्या करने, अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकरी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। ताली मतलब चाबी। सोने की सिकरी उनकी पत्नी अपने गले में धारण किए हुए थी, और उस सोने की सिकरी में एक चाबी थी। उसको धीरे धीरे उनके गर्दन से उन्होंने निकाली। फिर उस कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। संदूक खोला किसका? संदूक अपनी पत्नी का। उसमें 250 के नोट रखे और बंद कर दिया। अब समझ में आया बिलवासी जी जो ये बात कहे थे झाऊलाल से कि यह बात तो सिर्फ मैं जानता हूँ कि 250 रुपये मेरे पास कहाँ से आए, या फिर मेरा ईश्वर जानता है, आप ईश्वर से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि यह तो अपने ही घर में चोरी वाली बात थी। अपनी पत्नी के संदूक से अपने मित्र के लिए, अपनी पत्नी के संदूक से रात में चोरी छिपे उनके गर्दन से उनके गले से सोने के चैन में बधा ताली निकाले हैं, चाबी निकाले हैं, और उस चाबी से वो ताला खोल करके 250 रुपया जो उनकी पत्नी रखी हैं उसे निकाल करके वो ले गए थे सहयोग देने के लिए। परंतु काम तो वहाँ बन गया। अब इनके जो 250 रुपये थे उसको यथास्थान इन्होंने रख देना उचित समझा, इसीलिए उन्हें रात में नींद नहीं आ रही थी। अब फिर दबे पांव लौटकर ताली को अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगराई ली और लेट गए, क्योंकि अब 1 बजे रात को उन्हें एक अघोषित जीत हासिल हुई थी जिसकी घोषणा पहले से नहीं थी। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वे चैन की नींद सोते रहे, 8 बजे तक, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले जो कमाल किया था उस कमाल के ओतप्रोत में, बिलवासी मिश्र के इस कमाल के ओतप्रोत में झाऊलाल का भी परिवार खुशहाल था और इधर बिलवासी जी का भी परिवार खुशहाल था। इस तरह से इस कहानी का अंत अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने किया। अर्थात समस्या जब आती है मनुष्य के जीवन में तो वह निसंदेह समाधान के तरफ ही अग्रसर होता है, और यही समाधान के तरफ अग्रसर होना मनुष्य की नियति है, प्रवृत्ति है। यह प्राकृतिक प्रवृत्ति मनुष्य खो करके नहीं रह सकता। अर्थात जब अंग्रेज के सामने यह समस्या आई
कि उन्हें चोट लगा तो वह अनाप शनाप बोलने लगे, लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चली कि वह जिस हेतु भारत आए हैं वह हेतु इसी आंगन में पूर्ण हो रहा है, तो उन्होंने भी ईश्वर को धन्यवाद दिया होगा कि अच्छा किए जो मिला दिए। और बिलवासी जी को भी जब अपने मित्र पर आई विपदा समस्या लगी तो उन्होंने अपने ही घर में चोरी से भी नहीं चुके। तनिक सोचिए, अगर बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो क्या होता। अथ श्री महाभारत कथा आरंभ हो जाता, क्योंकि यह कभी भी कोई पत्नी को गंवारा नहीं है कि उनके रखे हुए संपदा संपत्ति को उनके पति महोदय कभी टच तक करें। ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने वाली ये पत्नियां बेहद ही अच्छी होती हैं, क्योंकि घर परिवार उनके बदौलत ही खुशहाल होता है। अतः पत्नियां, पत्नियों के बारे में कई हास्य कहानियां कविताएं लिखी जाती है, लेकिन निसंदेह उनके बगैर एक घर की परिकल्पना नहीं की जाती। निसंदेह घर को एक मंदिर, एक स्वर्ग बनाने वाली यही तो होती हैं। इसलिए महिलाओं को शक्ति कहा जाता है, और खास करके भारत की महिलाएं तो शक्ति स्वरूपा हैं ही, उनका सम्मान हमें जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही छात्रों, यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारी करें।